की मुलाकात होम मिनिस्टर के साथ हुई थी और उन्होंने ये यकीन दहाई दी है कि जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे हालात में आम शहरी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और मुसीबत में है। क्या लगता है इसमें क्या करने की? जो डिमोलिशन की ड्राइव है इससे लोगों का तो बहुत ही नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने अपना भी नुकसान कर दिया ये शुरू करके। हाल ही मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें डिटेन किया, कैसे देखते हैं आप? अब वो ठीक है, अब सवाल यह है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट करें अब कोई फ़ायदा नहीं, पिछले दो महीने से करना चाहिए था। अब जब गवर्नर साहब ने यकीन दिलाई या यकीन दहानी दिलाई, होम मिनिस्टर ने यकीन दहानी दिलाई और अब जब गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए कि किसी घर को हाथ नहीं लगाया जाए, तो अब चाहे वो सौ कोई पार्टी सौ एजिटेशन करे उसका क्या फ़ायदा। सर, आपको लगता है कि इस वक्त में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से जो है वो होमवर्क किया जाए, उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जाए, या फिर उनके पास सरकार के पास एक रोड मैप होना चाहिए? डिमोलिश मुल्क के बहुत हिस्सों में होती है, लेकिन ऐसा अंधाधुंध नहीं होता। आज़ाद साहब, आप इस वक्त ये जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है और इसमें जिस तरीके से बड़े बड़े लैंड ग्रैबर से ज़मीन वापस ली जा रही है और सरकार एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है, आप देखते हैं कि सरकार का सही मूव है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो तब होगी कि जब उसमें देखेंगे कि सभी पार्टी के साथ एक जैसे सलूक किया जाए जी। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, एक पार्टी जी, सभी पार्टी का होना चाहिए और एक रोड में हर चीज़ के लिए होना चाहिए और अंधाधुंध गिराने का भी कोई फायदा नहीं होना चाहिए। कई जहां ज़रूरत है कोई रोड मैप है वहां गिराया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है, कई जगह उसको एक्वायर किया जा सकता है, उसको रखा जाता है सकता है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, बजाय गिरा के ऐसे ही छोड़ देना। एक रोड मैप बहुत जरूरी। पुरानी सरकारों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ये बस्तियाँ आबाद की हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रोशनी लैंड है, ये गैर कानूनी है, इस पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। आपकी सरकार भी रही है, आप लोगों ने पब्लिक के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया था, क्या लगता है कि क्या उस स्टेप को आज गलत तरीके से? कोई भी चीज़ असेंबली में जहाँ पास हुई उसको गैर कानूनी नहीं होती। फिर ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? असेंबली वो चुनी हुई है सरकार है, तो जो चुनी हुई सरकार करती है वो गैर कानूनी है, जो असेंबली में पास करती है उसको कोई गैर कानूनी नहीं कह सकता दुनिया का कोई भी शख्स, क्योंकि असेंबली सबसे ऊपर होती है, उसके ऊपर कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट से नीचे है, असेंबली भी या हाई कोर्ट भी असेंबली से नीचे है, तो असेंबली और पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके फैसले को कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि असेंबली में सब पार्टीज के नुमाइंदे होते हैं और चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, तो इसको गैर चुनी हुई जो सरकार है वो चुने हुए नुमाइंदों को कभी और असेंबली के किसी भी कानून को नहीं कह सकती कि ये गैर कानूनी और गलत। क्या आपको लगता है रोशनी लैंड का जब वक्त आया और इस वक्त में जब ज़मीनें अलाट हुई, लोग उस कानून के तहत रहने के लिए बस्तियां आबाद की, वो सब एक पॉजिटिव स्टेप था आज इस चीज़ को लेकर? असेंबली में जो भी होता है वो पॉलिसी होती है, वो कैबिनेट पास करती है तब असेंबली में जाता, सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और तब पास होता है और तब वो कानून बन जाता है, कानून असेंबली बनाती है और कोई नहीं। जिसने यहाँ ज़मीन बेची तो वो मुजरिम है, न कि खरीदने वाला। हाँ, खरीदने वालों का ये गुनाह हो सकता है कि उसने कागजात नहीं देखे, लेकिन उस वक़्त तो जान बचाने का मसला था, कागजात कौन देख रहा था? जो भी कहता था जी मेरे पास ज़मीन है, अब किसने देखा कि ये सरकारी ज़मीन बेच रहा है कि ये फारस की ज़मीन बेच रहा है? उसने पैसे दिए, कागज़ लिया और कार्रवाई, घर अपना झोंपड़ा बनाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव निशरियात आमिर सुहेल के साथ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार डिमोलिशन ड्राइव देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज़ाद साहब की जो मुलाकात है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हुई थी और उन्होंने यकीन दहाई दी है कि जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसी हवाले से कई सारे अहम तरीन सवाल हैं
जो हम आज के इस प्रोग्राम के अंदर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपकी मुलाकात होम मिनिस्टर के साथ हुई थी और उन्होंने ये यकीन दिहाई दी है कि जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे हालात में आम शहरी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और मुसीबत में है। क्या लगता है इसमें क्या करने की ज़रूरत है? ये हकीकत है कि अभी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं हुआ जी, लेकिन कम से कम ये इतनी तसल्ली है कि हमने तकरीबन 3 हफ्ते पहले जी गवर्नर साहब से बात की थी जी। हमारे मुसलसल मेरी पार्टी ने एजिटेशन पूरी स्टेट में की है और तकरीबन 40-50 जगहों पे जी, हर ज़िले पे, सब डिवीज़न पे जी, और कई तहसीलों पे 40-50 इस तरह के मुजाहरे और एजिटेशन हुई हमारी पार्टी की तरफ से जी, पूरी स्टेट में गुज़िश्ता 1-2 महीने से जी। और उसके बाद गवर्नर साहब से जब बात हुई तो उनसे हमने यही गुजारिश की है कि लाखों लोगों के नोटिस गए हैं जी, और उसमें तकरीबन 95% गरीब लोग हैं जिनके कुछ मरलों पे ही घर मुश्तमिल हैं जी। अगर ये घर गिराए जाएं जी तो लाखों लोग बेघर हो जाएं। तो बात करने के बाद गवर्नर साहब ने यकीन दहानी दिलाई कि चलो गरीब लोगों के घरों को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद हमने देखा कि छेड़ा तो नहीं गवर्नर साहब की उस आश्वासन के बाद, लेकिन नोट्सें चली गई बिल्कुल। और फिर मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे भी मैंने यही गुजारिश की कि भाई गवर्नर साहब ने यादहानी तो दी है जी, और मकान तो नहीं गिराया कोई, लेकिन नोटिस बराबर जारी जा रहे हैं, मुलाजम ऑफिसर DC वगैरह नीचे तहसीलदार पटवारी और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई जारी रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। 80% से 50% डिस्काउंट के दरमियान आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल सकती। ट्रेडमिल्स भी बिल्कुल सस्ते दामों पर फराहम की जाएंगी। जम्मू कश्मीर की वाहिद अकेली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको बिल्कुल जेन्युइन कीमतों पे सब सामान जो है दस्तयाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की वाहिद एक अकेली शॉप है जहां पर जरूरी अशिया का सामान 80% तक डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। दिए नंबर पर रब्ता करें। एंड एड्रेस न्यू सीमट कदल श्रीनगर 7006973594। तो उन्होंने भी लिखा भी और कहा कि मैं ज़रूर रियासती सरकार को बताऊंगा और यकीनन जो छोटे जिनके पास होल्डिंग कम है ज़मीन की या घर छोटे मकान हैं, किसी मकान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद से मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि किसी भी घर को गिराया नहीं गया है। हाँ, कहीं इक्का दुक्का कुछ दीवारें गिराई दी गई हैं, सिर्फ जम्मू में एक शोरूम को गिराया गया है, लेकिन जहां पूरे लाखों घरों को नोटिस गई थी वो वहीं थम गया है। उसके लिए मैं होम मिनिस्टर और गवर्नर साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अब ये हिदायत जारी की है कि कोई किसी घर को हाथ नहीं लगाया जाए। लेकिन लिखित में जब तक नहीं आए तो तब तक लोगों को तसल्ली नहीं होगी। आज़ाद साहब, जम्मू में हमने देखा मलिक मार्केट के अंदर स्टोन पेल्टिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए और यहाँ के लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि बठिंडी सुजमा को टारगेट किया जा रहा है जम्मू के अंदर। कैसे देखते हैं आप स्टोन पेल्टिंग और बठिंडी सुजमा को? नहीं, देखें, अगर परमिशन के बगैर सिनेमा बनाया है, सिनेमा के लिए तो अच्छी खासी ज़मीन लगती है। अब ये देखना है कि 2 किस्म की ज़मीनें हैं, एक तो कब्ज़े की ज़मीन है, एक लोगों ने खरीदी है। तो जो कब्ज़े की बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसको छुड़ाना तो ज़ाहिर लाजमी है जी, जी, जी। लेकिन अगर खरीदी लोगों ने है तो उसके लिए खरीदने वाला ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए जो बेचने वाला है उसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। क्योंकि एक आदमी ने अगर 1,000 लोगों को ज़मीन बेची है तो उसका मतलब है कि उसका नाजायज़ कब्ज़ा बहुत सैकड़ों कनालों पे था, तो उसको पकड़ना चाहिए बेचने वाले को। जिसने बेचारे ने खरीदी, ये सब मिलिटेंसी में लोग आए हैं, तकरीबन 95-90% लोग मिलिटेंसी में आए हैं, चाहे वो हिंदू हों जम्मू में या मुसलमान हों,
चाहे वो कश्मीर से आए हों, चनाब वैली से आए हों, पीर पंजाल से आए हों, कुछ कठुआ और सांबा के दूर दराज इलाकों से आए हों, उधमपुर के दूर दराज, रियासी के दूर दराज इलाकों से आए हैं, वो तो मिलिटेंसी से भाग के आए हैं। और जिसने यहाँ ज़मीन बेची तो वो मुजरिम है, न कि खरीदने वाला। हाँ, खरीदने वालों का ये गुनाह हो सकता है कि उसने कागजात नहीं देखे, लेकिन उस वक़्त तो जान बचाने का मसला था, कागजात कौन देख रहा था? जो भी कहता था जी मेरे पास ज़मीन है, अब किसने देखा कि ये सरकारी ज़मीन बेच रहा है कि ये फारस की ज़मीन बेच रहा है? उसने पैसे दिए, कागज़ लिया और कार्रवाई, घर अपना झोंपड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो इसकी तह में जाने की ज़रूरत है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए कि किसने कब्ज़ा किया है, क्या सैकड़ों कनालों पे कब्ज़ा किया है, और किसने बेची है ज़मीन, सरकारी ज़मीन, उस पर क्या कार्रवाई करनी। सर, ये जो स्टोन पेल्टिंग हुई है इसको लेकर? नहीं, अब स्टोन पेल्टिंग ये मैंने कई बार पिछले दिनों से बताया कि ये आवाम के हक में भी नहीं है, सरकार के हक में भी नहीं है। आवाम बड़ी नाखुश थी बीजेपी सरकार से पिछले 3-3.5 वर्षों से, जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने पर यहाँ के आवाम नाराज़ थे, फिर स्टेट के दो हिस्से करने पर आवाम नाराज़ थे, यूटी बनाने पर नाराज़ थे, फिर 35A ख़त्म करने पर आवाम नाराज़ थे, और इसी तरह से बेकारी और बेरोज़गारी और महंगाई की गिरा हालत की वजह से लोग नाराज़ थे। लेकिन सरकार ने 2-3 अच्छे काम किए थे, वो ये है कि मिलिटेंसी ख़त्म की थी, बिल्कुल बिल्कुल, और हड़तालें ख़त्म हो गई थी। स्टोन पेल्टिंग एक ज़माने में तो स्टोन पेल्टिंग की वजह से वो गोलियां चलानी पड़ी थी, बुलेट्स जो पैलेट गन्स चले थे, हज़ारों लोग बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक़्त ये हुआ, हज़ारों बच्चे ज़ख्मी हुए, छोटी छोटी बच्चियाँ। मैंने तो पार्लियामेंट में 2 दिन उस पर बहस करवाई, उन पैलेट गन्स पर। वो तमाम चीज़ें आज बंद हो गई। ये जहाँ नेगेटिव चीज़ें बीजेपी सरकार ने की, ये 2-3 चीज़ें पॉजिटिव थी। लेकिन ये करके ये जो एंटी डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी, जो डिमोलिशन का सिलसिला शुरू कर दिया, नोटिस देने शुरू कर दिए, उसने गवर्नमेंट ने ये कदम उठाकर अपना ही नुकसान कर दिया। अच्छा। क्या अपना नुकसान किया ना, फिर पैलेटिंग शुरू हो गई, फिर एजिटेशन हो गई। बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त। अब जाहिर हमने एजिटेशन की स्टेट में 50-60 जगह, तो एजुटेशन तो हो गई ना, है शुरुआत हुई, शुरुआत हुई, चाहे हमने पथराव नहीं किया या कुछ नहीं, लेकिन पीसफुल एजुटेशन की मांग की, लेकिन एजुटेशन तो हो गई। अब दूसरे लोग भी शामिल हो गए एजुटेशन में और पथराव भी हो गया। तो मैं यही कहता हूँ कि इस तरह से ये जो डिमोलिशन की ड्राइव है, इससे लोगों का तो बहुत ही नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने अपना भी नुकसान कर दिया ये शुरू करके। हालिया ही मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली पहुंची प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें डिटेन किया, कैसे देखते हैं आप? अब वो ठीक है, अब सवाल यह है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट करे अब कोई फ़ायदा नहीं, पिछले 2 महीने से करना चाहिए था। अब जब गवर्नर साहब ने यकीन दिलाई या यकीन दहानी दिलाई, होम मिनिस्टर ने यकीन दिलाई, यकीन दहानी दिलाई, और अब जब गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए कि किसी घर को हाथ नहीं लगाया जाए, तो अब चाहे वो 100 कोई पार्टी 100 एजिटेशन करे, उसका क्या फ़ायदा? सर, आपको लगता है कि इस वक्त में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से जो है वो होमवर्क किया जाए, उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जाए, या फिर उनके पास, सरकार के पास एक रोड मैप होना चाहिए। डिमोलिश मुल्क के बहुत हिस्सों में होती है, लेकिन ऐसा अंधाधुंध नहीं होता है जी। कोई कहीं स्कूल बनाना हो, कहीं सड़क बनानी हो, कहीं कॉलेज बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, तो पहले वो जगह मुकर्रर की जाती है कि यहाँ हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरी है,
और फिर उसकी पैमाइश होती है, फिर उसका मुआवजा दिया जाता है और उस चीज़ को गिराया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरी स्टेट में ही सबको नोटिस है, क्या हर स्टेट में हॉस्पिटल बनने वाले हैं, हर गली में स्कूल बनने वाला है, कॉलेज बनने वाला। तो एक रोड मैप के बगैर अंधाधुंध नोटिस देने का कोई फायदा नहीं, इनको एक रोड मैप बनाना चाहिए। और अगर कहीं डिमोलिशन की वो भी उसकी पेमेंट करने के बाद तो दूसरे दिन उस पर काम शुरू होना चाहिए। Exactly. जो भी बनाना है चीज़, ऐसा नहीं आज गिरा दिए और मकान गिरा दिया, दीवार गिरा दी और उसके दो उस साल के बाद फिर दूसरे ने कब्जा किया, तो आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है वहाँ कुछ बनाने का। आज़ाद साहब, बड़े बड़े जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं इनकी ज़मीनें जो इन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई थी वो कब्ज़ा भी हटाया है, आपको क्या लगता है क्या एक सरकार का बेहतरीन कदम है जिसमें बड़े बड़े फॉर्मर मिनिस्टर से भी जो है वो ज़मीनें वापस ली हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, कानूनी और गैर कानूनी दो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, नहीं है कि पॉलिटिशियन ने ही किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी किया है, बड़े बड़े जो ज़मीन के दलाल हैं उन्होंने भी किया है, वो चाहे बड़े पढ़े लिखे नहीं हों और बड़ा नाम नहीं हो, लेकिन जिन्होंने लाखों कनाल ज़मीन बेची उनका भी तो नाम होना चाहिए ना कहीं। और पॉलिटिशियन ने भी अगर ख़रीदी है, हाँ अगर उनने खरीदी एक कनाल है और कब्ज़ा 10 कनाल पे किया है तो जाहिर है वो 10 कनाल तो लेनी चाहिए। अच्छा, जाहिर है कि अगर खरीदी, मैंने एक कनाल खरीदी है और मैंने नाव कनाल और पे दीवार मारी, तो नाव कनाल तो नाजायज़ है ना। तो क्या आज़ाद साहब, आप इस वक्त ये जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है और इसमें जिस तरीके से बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं ज़मीन वापस ली जा रही है और सरकार एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है, आप देखते हैं कि सरकार का सही मूव है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो तब होगी कि जब उसमें देखेंगे कि सभी पार्टी के साथ एक जैसे सलूक किया जाए जी। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, एक पार्टी जी, सभी पार्टी का होना चाहिए और एक रोड मैप हर चीज़ के लिए होना चाहिए और अंधाधुंध गिराने का भी कोई फायदा नहीं होना चाहिए। कई जहां जरूरत है, कोई रोड मैप है, वहां गिराया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है, कई जगह उसको एक्वायर किया जा सकता है, उसको रखा जाता है सकता है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, बजाय गिरा के ऐसे ही छोड़ देना। एक रोड मैप बहुत ज़रूरी है। पुरानी सरकारों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ये बस्तियाँ आबाद की हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रोशनी लैंड है, ये गैर कानूनी है, इस पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है। आपकी सरकार भी रही है, आप लोगों ने पब्लिक के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया था, क्या लगता है कि क्या उस स्टेप को आज गलत तरीके से? कोई भी चीज़ असम्बली में जा पास हुई उसको गैर कानूनी नहीं होती। फिर ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? असम्बली वो चुनी हुई है सरकार है, तो जो चुनी हुई सरकार करती है वो गैर कानूनी है, जो असेंबली में पास करती है उसको कोई गैर कानूनी नहीं कह सकता दुनिया का कोई भी शख्स, क्योंकि असेंबली सबसे ऊपर होती है, उसके ऊपर कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट से नीचे है, असेंबली भी या हाई कोर्ट भी असेंबली से नीचे है, तो असेंबली और पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके फैसले को कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि असेंबली में सब पार्टीज के नुमाइंदे होते हैं और चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, तो इसको गैर चुनी हुई जो सरकार है वो चुने हुए नुमाइंदों को कभी और असेंबली के किसी भी कानून को नहीं कह सकते कि ये गैर कानूनी और गलत। क्या आपको लगता है रोशनी लैंड का जब वक्त आया और इस वक्त में जब ज़मीनें अलाट हुई, लोग उस कानून के तहत रहने के लिए बस्तियां आबाद की, वो सब एक पॉजिटिव स्टेप था आज इस चीज़ को लेकर? असेंबली में जो भी होता है वो पॉलिसी होती है, वो कैबिनेट पास करती है तब असेंबली में जाता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और तब वो पास होता है और तब वो कानून बन जाता है, कानून असेंबली बनाती है और कोई नहीं बनाता। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के लिए अभी भी रोज़गार के साधन नहीं है, वही पुराना सिस्टम है अभी भी यहाँ पे कि जो यहाँ पे लगातार हमें करप्शन दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंसी कहीं पे नहीं है, किसी इम्तिहान में नहीं है, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को JKSSB के जो हैं वो एग्ज़ाम्स सुपुर्द कर दिए जाते हैं, हवाले कर दिए जाते हैं। बहुत सारी यहाँ शिकायतें हैं कि सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको दिया जाता है वही काम दिया जाता है,
टेलर मेड काम होता है कि किस में कौन फिट हो जाए, हाँ ये तमाम चीज़ें तो हैं नहीं, इसीलिए तो एक इलेक्टेड गारमेंट होती है। अगर कोई भी गलत काम हो तो असेंबली में विपक्ष अपोजिशन उसको उठाती है, लेकिन जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं हो, तो ये तमाम चीज़ें, बुरी चीज़ें उस सिस्टम में आ जाती हैं, पल जाती हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की गवर्नर रूल हो, वो चाहे कांग्रेस के वक्त का गवर्नर रूल हो या किसी दूसरी या बीजेपी के वक्त का गवर्नर रूल हो, उसमें बहुत कमियाँ हैं। गवर्नर कितना ही अच्छा हो लेकिन सिस्टम वो ख़राब है, वो सिस्टम में बहुत सारी खामियां आ जाती हैं जिनको दूर करने का कोई भी फोरम नहीं होता है, न उनको उठाने का कोई फोरम होता है और न उसका समाधान निकालने का, हल निकालने का कोई फोरम होता है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आज़ाद साहब कि डिलिमिटेशन हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सपोर्ट कर दी है, इलेक्शंस का इंतज़ार किया जा रहा था लेकिन इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या आप ये मानते हैं कि इलेक्शंस बहुत जल्द होने चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार होनी चाहिए जो लोगों की बात सुने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है और आम इंसान की बात नहीं सुनी जा रही है। देखो, जमहूरियत में ब्यूरोक्रेसी के जरिए रूल करना उसमें कोई जगह नहीं है जमहूरियत जी। ब्यूरोक्रेसी का अपना एक रोल है, बहुत अच्छा रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, लेकिन लेजिस्लेचर का अपना रोल है, अपना रोल है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में तीनों को काम बांटा गया है, असेंबली को, चुने हुए नुमाइंदों को अपना काम बांटा गया है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे ऑफिसर हैं, मुलाजम हैं, उनको अपना एक जिम्मेदार रोल उनके लिए है और जुडिशरी का अपना रोल है। लेकिन इस वक्त जो हमारे ऑफिसर हैं वो दो रोल, डबल रोल कर रहे हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव का भी रोल कर रहे हैं, मुलाजमों का भी रोल कर रहे हैं, वो असेंबली का भी रोल कर रहे हैं, वो मिनिस्टरों का भी रोल कर रहे हैं। हकीकत है, तो ये ट्रिपल रोल जो है ये चलता नहीं है। ये एक फिल्म में कोई एक्टर करता है तो एक ही फिल्म में होता है, हर फिल्म में करेगा तो फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए ये 6 महीने साल चल सकता है लेकिन सालों साल ये ट्रिपल रोल नहीं चल सकता है जो अभी है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या हल है जम्मू कश्मीर के मुश्किलात का, किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों को, मुश्किलात को ख़त्म किया जा सकता है, नौजवानों को एक उम्मीद दी जा सकती है, ये ज़मीन हो जैसे मकान तोड़े जा रहे हैं, इन मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है और एक नई ज़िंदगी, एक स्मूथ ज़िंदगी हम चला सकते हैं। इसके लिए एक दो तीन चीज़ें, इसको इसमें असेंबली के इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन असेंबली के इंतखाबात के साथ साथ वो तो गवर्नमेंट नहीं करवा रही, हाँ वो तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी, लेकिन जब भी इंतखाबात हों उसके बाद लोगों पर ज़िम्मेदारी आती है। बदकिस्मती यहाँ कई बरसों से जज्बात के नाम पर वोट पड़ते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों में एक किस्म के जज्बात और हमारे हिंदू भाइयों में जम्मू में दूसरे किस्म के जज्बात, मतलब रिलीजियस बेस, रिलीजियस बेस पे। तो उसका क्या नतीजा होता है, सियासत और धर्म का, मजहब का कोई वास्ता नहीं है और बाद में पछताते हैं। तो अब सब पार्टियों ने हुकूमत यहाँ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कई बार सरकार बनाई, सरकार 3 पीढ़ियों ने बनाई, पीडीपी ने बनाई, पीडीपी ने भी 2 पीढ़ियों ने बनाई, कांग्रेस ने भी, हाँ कांग्रेस ने भी, मैंने भी बनाई, बीजेपी ने भी बनाई। अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कौन कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर सकता है, काम कौन कर सकता है, वरना अगर रिलीजन के, धर्म पे और जज्बात के आधार पर भी तो फिर यही होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को
सोच बदलनी होगी। क्या आपको लगता है आजाद साहब बीजेपी माइंड डाइवर्ट कर रही है, डेवलपमेंट से रिलीजियस बेस पे जा रही है, लोगों के नौजवानों के? आज रिलीजन के बेस पे कोई मैं नहीं समझता कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा रिलीजन वाला ऐसा मुद्दा है या रिलीजन के आधार पर कोई वोट देने वाला है। आज नए नए इशू हैं। आज बेकारी सबसे बड़ा इशू है, वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए बच्चों के लिए भी उतना बड़ा इशू है जितना मुसलमान बच्चों के लिए है। आज महंगाई का जो इशू है वो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी उतना ही है जितना मुसलमान भाई बहनों के लिए है। आज बाकी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो सबके लिए होता। मैं नहीं समझता हूँ कि आज किसी खास धर्म या आज़ादी के लिए के इलाके के लिए ये इशू बन सकता। आज इशू हमारे पूरी स्टेट के कामन है, देहात और शहरों के कामन है, जम्मू सूबा और कश्मीर के लोगों के कामन इश्यूज हैं। इन कामन इश्यूज का हल निकालने के लिए सरकार जो होनी चाहिए वो बराए नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी को बदलो और दूसरी सरकार आओ जो शायद इससे भी निकम्मी हो हाँ और बेकार हो। यो होनी चाहिए जो इन तमाम चीज़ों का हल निकाले, ख़ास तौर से जो बेकारी और बेरोज़गारी, ये सबसे अहम मुद्दा है बेकारी और हमारे डेवलपमेंटल काम उनकी सबसे, क्योंकि डेवलपमेंटल काम हो जाएंगे तो जो स्किल और अनस्किल्ड जो वर्कर हैं वो लाखों की तादाद में जो गरीब तबका से है उनके लिए रोज़गार मिलेगा। आज सड़क का काम कहीं नहीं है, आज स्कूल का काम कहीं नहीं चल रहा, आज हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग नहीं चल रही, तो इसलिए मज़दूर जो लाखों लोग हैं वो स्टेट से बाहर उनको जाना पड़ रहा। आज हमारे कारपेंटर मेसन उनको बाहर जाना पड़ रहा। तो चूँकि कारोबार का सिलसिला डेवलपमेंटल वर्क शुरू करने पड़ेंगे पूरी शहर और देहात में, ताकि लाखों जो मजदूर हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड उनको काम मिले, और फिर जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए रोज़गार का और साधन, उनके एम्प्लॉयमेंट का साधन बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही, बल्कि टूरिज्म से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं वो शुरू करने पड़ेंगे। साथ साथ जो आज दिक्कत आ रही है कि स्कूल कॉलेजेस अस्पताल, तो हमने मेरे वक़्त में मेरे ख्याल में जितने 70 साल में नहीं बनाए थे, हमने 2.5 साल में कॉलेज स्कूल और अस्पताल बनाए थे, लेकिन हमने तब डॉक्टर भी मुहैया किए थे। आज 15 साल के बाद जब डॉक्टरों की तादाद कई गुना बढ़ गई है, लेकिन किसी देहात में या शहर में कब्ज़े में न स्कूलों में टीचर हैं न डॉक्टर हैं, तो ये तमाम है मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जिन्होंने बड़ी साफ अल्फाजों में और बड़ी प्यारी बातें कही हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को और नौजवानों को जो वो डेवलपमेंट चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो है वो कोई प्रोपोगंडा नहीं चाहिए, हम लोगों को जो है वो वक्ती तौर इरादा करना है, अपना इरादा मजबूत रखना है और जम्मू कश्मीर की तरक्की करनी है और आम गरीब इंसान को जो है वो वक्ती तौर मजबूत करना है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर इस इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें कही और गरीब लोगों के साथ डिमोलिशन नहीं होगी, वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है वो इन्हें ये एश्योरेंस दी गई। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पर आमिर सुहेल के साथ, अस्सलामु अलैकुम।